फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल निकल पर मैं वेलकम करता हूं। ऐसी मालूमती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीज आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आप अपने अब्शर से अपना सऊदी अरबिया में रह रहे हैं तो ज़ाहिर अब्शर यूज़ कर रहे हैं। तो अब्शर में रहते हुए आप अपनी पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट एक होती है वो आप वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, उसके ऑप्शन किस ऑप्शन में जाके वो रिपोर्ट निकलेगी, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और कौन सी रिपोर्ट्स, अगर आपको उसके अलावा कोई रिपोर्ट्स चाहिए, कौन सी सारी रिपोर्ट्स आपको एक ऑप्शन में जाके मिलेंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाज़ूकात कहीं पर भी आपको वो ज़रूरत पड़ सकती है, ख़ास करके अगर आप बाहर यूरोप वगैरह में जा रहे हैं या किसी कंट्री में हो रही है, वहाँ पर उनकी एक होता है कि हमें ये चीज़ भी ज़रूरत है। ठीक है, बाज़ूकात आप पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश वगैरह पे आप जा रहे हैं, वापसी फाइनल एग्जिट पे चले गए हैं, तो वो रिपोर्ट आपके पास है अगर, तो आप वो साथ रख लें। उसके बाद बाज़ूकात आप वापस आते तो उसमें भी बाज़ूकात ये क्लियरेंस रिपोर्ट आपको मांग लेते हैं कहीं पर भी। तो इसके लिए आपने करना क्या, आपने यहाँ पर सेम आप मेन पेज पर आ जाएंगे तो माई सर्विसेज़ में आपने क्लिक कर देना। माई सर्विसेज़ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है माई सर्विसेज़ में क्लिक करने के बाद जनरल सर्विसेज़, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, जनरल सर्विसेज़ पर ही क्लिक कर देना। जनरल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये अब्शर रिपोर्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब्शर रिपोर्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब्शर रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपके पास अब्शर रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अगर यहाँ से हम बैक करेंगे तो अब्शर रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह से कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, रिक्वेस्ट आ रिपोर्ट, व्यू प्रीवियस रिपोर्ट, इंक्वायरी अबाउट रिपोर्ट। ठीक है, इंक्वायरी अगर आपने रिपोर्ट की हुई है, पहले अपडेट की हुई है या आपने मांगी हुई है रिपोर्ट, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रीवियस आपने अगर कोई रिपोर्ट वो की हुई है तो प्रीवियस पे क्लिक करके वो प्रीवियस रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये शो हो रही है एक प्रीवियस रिपोर्ट, ठीक है, इसको यहाँ से बैक कर लेते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर आपने नई रिपोर्ट वो करनी है तो रिक्वेस्ट और रिपोर्ट पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप इससे पहले फार मोर इन्फो में अबाउट यहाँ पर रिपोर्ट क्लिक है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या वो होगी। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले वो रिपोर्ट में बता रहा थी, सर्विस अलाउ यू टू इशू अ रिपोर्ट दैट कंटेन्स डाइवर्स अमाउंट ऑफ डाटा, दी प्राइस ऑफ रिपोर्ट विल वेरी बेस्ड ऑन दी सिलेक्टेड डेट, उस सिलेक्टेड डाटा। रिपोर्ट वैलिडिटी इज़ 30 डेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, द रिक्वेस्टिंग एजेंसी कैन वेरीफाई द रिपोर्ट आफ्टर यू आर प्रोवाइड देम योर आईडी एंड रिपोर्ट रेफरेंस नंबर, दी सर्विस अलाउ यू टू व्यू दी प्रीवियस रिपोर्ट एंड डाउनलोड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। फैमिली मेम्बर्स इन्फो में ये चीज़ें होंगी, व्हीकल इन्फो में वो बता रहा है कि ये चीज़ें होंगी, ट्रैफिक वायलेशन में ये रिपोर्ट्स में ये चीज़ें ऐड होंगी, इस तरह ये सारी रिपोर्ट्स बता रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या गया, रेजिडेंस रिपोर्ट में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, पासपोर्ट वीज़ा में, इस तरह से आप देखते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके पास शो होती जाएंगी। क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट ये है, इसमें आपका फुल नेम आ जाएगा, आईडी नंबर आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, नेशनलिटी वगैरह आ जाएगी, इसी सारी चीज़ें इसमें शो हो जाएंगी। इस तरह से जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब में वो बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर वो ऑप्शन ऐड होंगे उस रिपोर्ट में। ठीक है, तो आपने करना क्या, रिक्वेस्ट और रिपोर्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट और रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया था बहुत सारी रिपोर्ट्स शो हो जाती है, डोमेस्टिक वर्कर इन्फो, ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये सारी रिपोर्ट्स फ्री बता रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट, आपने एक दफ़ा अप्लाई की होगी, अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो मैं आई थिंक मेरे हेल में फ्री होगी, अगर दोबारा कर रहे हैं तो वो ₹50 फीस हो जाएगी। तो इस पर आप क्लिक कर दें, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉटम में आ जाएंगे तो वो कहेगा प्लीज़ सेलेक्ट रिपोर्ट लैंग्वेज, नोट लैंग्वेज कैन नॉट बी चेंज लेटर, बाद में चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए आप इंग्लिश या अरबिक जो भी करना चाहते हैं, हम कहते हैं इंग्लिश कर रहे हैं, तो इसको नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे जैसे। ठीक है, नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तो वो यू आर रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेसिंग नाउ, प्लीज़ चेक प्रीवियस रिक्वेस्ट फॉर ट्रैकिंग द रिक्वेस्ट, वो बता रहे हैं कि आपकी प्रीवियस रिक्वेस्ट है वो ऑलरेडी उसमें है, लेकिन आप यहाँ से आप अपना आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपसे वो आपकी कार्ड की डिटेल वगैरह लेगा, फिर आप फीस वगैरह पे करेंगे तो आपकी रिपोर्ट चली जाएगी वहाँ पे अंडर प्रोसेस, तो आपके पास से रिपोर्ट वापसी अप्रूव होकर आ जाएगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन थे जो आपको बताना मकसद था, यहाँ से आप ऑप्शन यूज़ करके रिपोर्ट आप अपनी ले सकते। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसी मालूमती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रही, तो मैं आपके लिए ऐसी मालूमती वीडियोज़ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।